दोस्तों कुछ महीने पहले एक ऐसा ही बॉक्स मैंने यहाँ पे ओपन किया था और लगभग उसमें 2 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और बहुत ज्यादा लोगों ने उसे पसंद किया है। तो आज एक बार फिर से मैं लेके आ चुका हूँ स्मार्ट सर्किट का एक और एक्सपेरिमेंट किट का बॉक्स जिसमें 5-7 तरह के एक्सपेरिमेंट है। तो देखेंगे भैया आज कौन कौन से वो एक्सपेरिमेंट है और सबको परफॉर्म करके आपको दिखाऊंगा। मगर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो, कुछ ऐसी नहीं और भी डिफरेंट डिफरेंट टॉयज एंड गेम्स की वीडियोस देखने के लिए। तो मैं बढ़ता हूँ इस वीडियो में आगे। तो दोस्तों ये है इंस्ट्रक्शन मैनुअल स्मार्ट सर्किट की और यहाँ पे देखिए ऊपर लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। दोस्तों 26 यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो है इस किट के अंदर है फिलहाल जो मेरे पास में है। आपको जो मिलने वाला है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप देख लेना कितने एक्सपेरिमेंट आपको मिलते हैं। फिलहाल यहाँ पे 26 है, बहुत सारे पाउच है और आप देख रहे होंगे ईच एक्सपेरिमेंट के लिए यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड पाउच है, मतलब सेपरेट पाउच है उसके अंदर और ऊपर जो है नाम भी लिखा हुआ है, मतलब देखिए जैसे स्टडी हैंड टेस्टिंग इलेक्ट्रिक गेम, तो इस पाउच के अंदर यही चीज होगी। तो बहुत सही चीज है, ऊपर से यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री हो फिजिक्स हो हर तरह के हर वैरायटी के एक्सपेरिमेंट आपको करने को मिलेगा, तो मुझे काफी सही लगा। दोस्तों यहाँ पर सारे एक्सपेरिमेंट तो नहीं बट कुछ एक्सपेरिमेंट मैं आपको जरूर यहाँ पे करके दिखाऊंगा और किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं रिप्लाई वहां पे जरूर करूंगा। तो फिलहाल के लिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन अपने एक्सपेरिमेंट को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट रेस का। बहुत ही सिंपल सा है बट आपको मजा आएगा, तो कंटेंट जल्दी जल्दी निकालूंगा, बना के दिखा दूंगा प्रोजेक्ट और फिर आपको समझाऊंगा कैसे ये काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 3 तरह से मिरर को प्लेस करने वाला हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि भैया कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या फर्क है। तो सबसे पहले मैंने जो मिरर को प्लेन प्लेस किया हुआ है और यहाँ पे मैं अगर टॉर्च लाइट मारता हूँ आप देख रहे होंगे बिल्कुल सिंपली जैसे लाइट जा रही है स्ट्रेट लाइन वैसे ही बन रही है क्योंकि मिरर को यहाँ पे हमने प्लेन जो है प्लेस किया हुआ है। अब यहाँ पे मिरर को मैं थोड़ा सा फोल्ड करता हूँ तो देखिए अंदर की तरफ को फोल्ड किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों हमको एक पॉइंट पे आके ये जो है क्रॉस कर रही है दोस्तों, तो ये है कन्वर्जेंट मिरर। आप देखिए फिर से मैं आपको दिखाता हूँ, सारी की सारी रेज जो है आप देख रहे होंगे यहाँ पे टकरा के एक पॉइंट पे जाके देखिए यहाँ पे बिल्कुल क्रॉस कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। तो ये बड़ा ही कमाल का है, देखिए यार कितना क्लियरली यहाँ पे हमको दिख रहा है। और मिरर को अगर इस प्लेस में हम लगाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी की सारी जो रेस है वो अलग अलग पॉइंट पे कट आउट हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। थोड़ा सा मतलब ऐसा स्कूल वाला सीन हो गया बट यार रियली में अगर आप करके देखो ना मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और कुछ ना कुछ लर्न करने को तो हमको मिल ही रहा है यार। तो फिलहाल के लिए मजा आया इसके साथ में, हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में हम बेसिक और एसिडिक नेचर के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे लिटमस पेपर की हेल्प से, सो लेट्स ओपन द पाउच। तो दोस्तों इस पाउच के अंदर हमको कुछ सामान मिलता है तो जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर मेरे को लिटमस पेपर की 3 स्ट्रिप यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये ब्लू स्ट्रिप है जो आपको दिख रही है और दूसरी जो स्ट्रिप इसके ठीक नीचे वो है रेड स्ट्रिप और एक यहाँ पे हमको इंडिकेटर मिलता है। इंडिकेटर मतलब इससे आप पता लगा सकते हो भैया मैच करके कि बेसिक है या एसिडिक है। तो चलिए अब यहाँ पे कुछ और हमको केमिकल्स टाइप आप कह सकते हो जैसे सोप हो गया, NaOH हो गया, कॉस्टिक सोडा हो गया और विनेगर वगैरह यहाँ पे हमको मिलता है। तो चलिए अब टेस्ट करते हैं। सबसे पहले विनेगर को हम जो है टेस्ट करेंगे और ये मैंने यहाँ पे स्ट्रिप ले लिए दोनों की दोनों, तो जल्दी से एक बार हम इसके ऊपर डालते हैं ड्रॉप्स को। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे दोस्तों ब्लू वाली जो स्ट्रिप है वो एक तरह से हल्की हल्की ऑरेंजिस या पिंकिश टाइप थोड़ी सी हो गई है। तो इसका मतलब है कि दोस्तों आप देखिए इंडिकेटर में एक नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये मोस्ट एसिडिक है यहाँ पे। अब हम सोप का यहाँ पे टेस्ट करेंगे और सोप को अगर डालते हैं तो यहाँ पे आप देखिए जो रेड वाली स्ट्रिप थी दोस्तों वो ब्लू हो गई है, 9 नंबर को शो कर रही है जो कि बेसिक है। वैसे ही NaOH यानी कॉस्टिक सोडा को अगर हम टेस्ट करते हैं, ये मैंने रेड स्ट्रिप डाली तो देखिए यहाँ पे इसने इसको ब्लू टर्न कर दिया है
और अगर मैं इंडिकेटर वाले को ड्रॉप करता हूँ इसके अंदर, तो देखिए ये बिल्कुल डार्क, मतलब कि 14 नंबर, तो ये मतलब एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बेसिक आप कह सकते हो। तो यही था दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में। चलिए पढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। दोस्तों रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, ये हमारा अगला एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हम रिएक्शन करेंगे मेटल को बेस में डाल के। तो प्रक्रिया आपके सामने है, पेपर के ऊपर बहुत अच्छे से इन्होंने लिखा हुआ है। तो लेट्स ओपन द पाउच, और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा भैया काफ़ी सामान यहाँ पे मिल रहा है, चिमटी विमटी ग्लव्स वगैरह दिख रहा है। तो ये है NaOH मतलब कॉस्टिक सोडा, और इसका सॉल्यूशन हमें बनाना है। थोड़ा सा पानी डालना है मिक्स करके इसके ऊपर, ये देखिए मैंने हल्का सा पानी मिक्स कर दिया है, इसे घोल लेंगे और सॉल्यूशन हमारा रेडी है। अब दोस्तों इसको चिमटी से ज़रूर पकड़ लेना, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होने वाला है। फिलहाल इसमें जो है एल्यूमिनियम की मैं स्ट्रिप डालने वाला हूँ, तो ये मैंने एक दो स्ट्रिप डाली, तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे झाग जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है हल्का हल्का दिख रहा है, तो रिएक्शन हो रही है। थोड़ा सा और मेटल इसमें हम ऐड करेंगे, तो मैंने जैसे ही थोड़ा मेटल ऐड किया, ओ भाई साहब देखिए आप क्या रिएक्शन यहाँ पे हो रही है, वाओ मजा आ रहा देख के। और मुझे लग रहा है यार टेस्ट ट्यूब गर्म तो नहीं हो रही है कहीं, अरे भाई ओ भाई ये तो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे खोल रहा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो बबल्स दिख रहे हैं वो हाइड्रोजन एक्चुअली रिलीज हो रही है, ब्लैक पार्ट जो दिख रहा है मतलब मेटल को पूरा इसने ब्लैक कर दिया है। तो इस एक्सपेरिमेंट में दोस्तों हम ये सीखते हैं कि बेसिक जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो मेटल को बर्बाद कर देते हैं। तो फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। दोस्तों अगली जो एक्टिविटी है वो एयर कार एक्टिविटी, जहाँ पे हम हवा के प्रेशर से एक कार को मूव करने की कोशिश करेंगे। तो ये है उसकी इंस्ट्रक्शन, तो ये है किट, इसके अंदर पार्ट्स हैं। तो जल्दी से मैं वो कार बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ भैया किस तरह से हम एयर प्रेशर का इस्तेमाल करके कार को मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों कार बिल्कुल बन के रेडी हो चुकी है, अब यहाँ पे हमको बलून जो है फिट करना है। तो जल्दी से बलून को एक बार फिट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे हम इस बलून को फुलाएंगे और कार को छोड़ेंगे, तो कार जो है वो अपने आप मूव करेगी कुछ इस तरह से, आपको ये देखिए कुछ इस तरह से। और सिंपली एयर प्रेशर से जो हमारी कार है वो आगे की तरफ मूव कर रही है, जो कि काफी अमेजिंग है और एक अच्छा एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। दोस्तों अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है शेडो से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तीन शीट हमको दी गई है, तो अलग अलग इनकी थिकनेस है, सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट और थोड़ी सी हार्ड वाली। तो हमें देखना ये है कि भैया किस शीट से कैसी शेडो यहाँ पे बन रही है। तो सबसे आगे फोर है और मैंने बीच में एक पतली वाली शीट लगाई है और लास्ट में एक बड़ी वाली शीट आपको दिख रही है। तो जैसे हम टॉर्च आगे लगाते हैं दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे फोर नंबर की शेडो जो है वो बीच वाली शीट में तो बन रही है, बट पीछे आप देखेंगे तो कोई भी शेडो आपको नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि इसकी थिकनेस जो है वो काफ़ी मोटी है, इस वजह से शेडो जो है आर पार नहीं हो पा रही। अगर हम ट्रांसपेरेंट यहाँ पे लगा दें दोस्तों, तो फिर से टॉर्च ऑन करते हैं, तो देख रहे होंगे पीछे भी जो है शेडो बन रही है, क्योंकि बीच वाली जो शीट है उसमें ज़्यादा थिकनेस नहीं है। अगर हम फोर नंबर को आगे पीछे करते हैं, तो आप देख रहे होंगे शेडो बड़ी भी हो रही है और बिल्कुल पास कर देंगे तो डिसअपीयर हो रही है। तो बस यही था इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो फिलहाल बढ़ते हैं अगले की तरफ। दोस्तों अगला जो एक्सपेरिमेंट है वो है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली यहाँ पे हम दो एक्सपेरिमेंट जो है परफॉर्म करेंगे, तो वन बाय वन मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे एक खाली बीकर, इसमें डालेंगे पानी, और ये जो हमें एक प्लेट मिली हुई है ये मेटल की है दोस्तों, बेसिकली ये कंडक्टर का यहाँ पे काम करने वाली है। तो इसे हम कुछ इस तरह से फंसा के इसे हम इस बीकर के ऊपर रख देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमको एक बैटरी इसके साथ में मिली हुई है और एक यहाँ पे बजर मिला हुआ है। तो बैटरी को मैं कनेक्ट करता हूँ और ये है बजर। तो एक तरफ मैंने बजर को कनेक्ट किया और दूसरी तरफ मुझे ये बैटरी की तार कनेक्ट करनी है। अब जैसे ही मैं इसे जोड़ता हूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे बीप आ रही है, मतलब हम क्या देख रहे हैं प्योर वाटर है दोस्तों। ये प्योर वाटर जो है बीप अच्छे से नहीं आ रही है, क्योंकि ये बैड कंडक्टर है।
प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, इसलिए आप देख रहे होंगे बीप जो अच्छे से आ रही है। बट जैसे ही हम सॉल्ट डालेंगे दोस्तों इसमें, अभी देखिए मैं नमक घोलता हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगा, तो बीप जो है वो अच्छे से खुल जाएगी, क्योंकि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और देखिए बीप जो है कितने अच्छे से यहाँ पे आ गई है। तो मजा आया इस एक्सपेरिमेंट के साथ में, आपको दिख रहा होगा बीप जो है अभी भी पी 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 कर रही है। तो यही था, तो चलिए अब एक बार इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए सिंपली आपको वैसे ही एक बीकर में पानी ले लेना है, बट इस बार हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कॉपर सल्फेट, ब्लू कलर का इसके अंदर, बड़ा प्यारा सा लगता है मुझे दिखने में। तो इसको आपको ऐड कर देना है, थोड़ा सा मिक्स इसको कर लेना है अच्छे से। और सेम इस बार आपको ऊपर जो दिया है, बट यहाँ पे दोस्तों इस बार आप देखेंगे भैया एक तरफ हमको लगाना है मेटल की स्ट्रिप और दूसरी तरफ कॉपर स्ट्रिप या कॉपर वायर। तो देखिए मैं यहाँ पे कॉपर वायर लगा रहा हूँ, सिंपली आपको इसके ऊपर डाल देना है और बैटरी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। कोई बजर वर्जर कुछ नहीं लगाना है, सिंपली दोनों तरफ मैं इन्हें स्ट्रिप को मतलब अटैच कर दूंगा इसकी दोनों तारें। और अब हम यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, तो आप देख रहे होंगे दोस्तों जो मेटल वाली स्ट्रिप है यहाँ पे बबल्स जो है बनना स्टार्ट हो गया और ये ब्लैक होनी भी स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब होता है क्या दोस्तों, जब भी हम इस तरह का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो मेटल की तरफ जो है ना मतलब आयन्स जो है मूव करते हैं, सारे के सारे इस तरफ मूव हो रहे हैं और आपको दिख रहा होगा, मतलब मुझे लग रहा है ये रस्ट भी कर रही है। मतलब अगर ज़्यादा देर तक आप रखोगे ना तो भैया ये आयरन को ना खा जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। तो यहाँ पे बिल्कुल करीब से देखिए कितने सारे बबल्स आ गए हैं यार, वाह। तो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक बार मैं आपको बाहर निकाल के दिखाता हूँ भैया स्ट्रिप का क्या हाल हो गया है। थोड़ी सी देर के अंदर ये देखिए भैया राख कर देगी ये। तो चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सपेरिमेंट की तरफ। दोस्तों आज का जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है, टेस्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है भैया, मतलब कि प्रोटीन का पता लगाना कि भैया इसमें है कि नहीं है। तो मुझे काफ़ी मतलब इंटरेस्ट है, काफ़ी अलग सा एक्सपेरिमेंट है ये। तो इसी पाउच के अंदर जो है काफ़ी सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, तो जल्दी जल्दी बाहर निकाल लेते हैं। आपको पता है कि आज जल्दी जल्दी निकाल रहा हूँ क्योंकि यार बहुत सारे एक्सपेरिमेंट थे, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मेन चीज़ में ज़्यादा फोकस है। तो सिंपली यहाँ पे बीकर के अंदर आपको क्या लेना, एक दूध ले लिया मैंने और एक में पानी लेनी है। सबको पता है कि दूध में प्रोटीन होता है, पानी में कोई प्रोटीन नहीं होता है। पहले बीकर में तो मैं यहाँ पे मिल्क ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं डालता हूँ भैया कॉपर सल्फेट, तो एक चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब दोस्तों दूसरे बीकर में हमको प्लेन पानी लेना है और इसके अंदर भी सेम हमको कॉपर सल्फेट डाल देना है। दोस्तों अब हमको इसमें डालना है NaOH, तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच दोनों में आपको डाल देना है और इसके बाद जो है आपको पता चल जाएगा किसमें प्रोटीन है और किसमें नहीं है। दोस्तों जिस टेस्ट ट्यूब में डार्क डार्क ब्लू वॉयलेट आप जो भी कहिए वो कलर आएगा, वो आपका इसका मतलब है कि उसमें प्रोटीन है। जैसे कि आप मिल्क में देख रहे होंगे कि बिल्कुल डार्क ब्लू हो गया है, तो इसका मतलब है कि भैया मिल्क में प्रोटीन है। और दूसरी वाली जो टेस्ट ट्यूब है दोस्तों उसमें हल्का नीला आप कहिए या हो सकता है इससे अलग कोई कलर अगर आता है तो आप समझ जाइए कि भैया उसमें कोई प्रोटीन नहीं है। हमको पता है पानी में भैया कोई प्रोटीन नहीं होता है, बट दूसरी टेस्ट ट्यूब आप देखेंगे बिल्कुल ब्लू हो चुकी है। तो कमाल का था ये वाला एक्सपेरिमेंट भी। तो दोस्तों होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, मैं जल्दी मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।